हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरवीर हाउस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप देख चुके होंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एलिवेशन। इस एलिवेशन का आपको 3D दिखेगा, 3D समझाऊंगा, 2D से 3D समझाऊंगा, प्लानिंग बताऊंगा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर की किस तरीके से हुई है, वीडियो में आप बने रहे। चलिए सबसे पहले तो हम चलेंगे, ये जो आपके पास है एलिवेशन, इसकी हम प्लानिंग देख लेते हैं कि प्लानिंग कैसे हुई है। ये 3D है आपके सामने, कैसे बनाया जाता है, ये इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप यहाँ पर सबसे पहले समझिए प्लानिंग, इसकी प्लानिंग क्या है, और प्लानिंग से ही आगे आपकी पूरी रूपरेखा तैयार होती है। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड हमने लिए हुए हैं इसमें। ये जो आपका एरिया है, इस पूरे एरिया की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले चलिए मैं ग्राउंड ग्राउंड पर लेकर चलता हूं आपको। ये है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर आपको क्लियर समझ में आ रहा है? ग्राउंड फ्लोर में आप देखेंगे तो आपको प्लानिंग का एरिया देखने को मिलेगा यहां पर 50 फीट, थोड़ा सा छोटा हुआ है, यानी 50 फीट 49 फीट 2 इंच है ये, और ये आपका हो जाता है 15 फीट। तो 15 बाई 50, ये पूरी प्लानिंग आपकी 15 बाई 50 में है। 15 बाई 50, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। 15 बाई 50 जो है, इसमें है क्या क्या, सबसे पहले यहां से चलते हैं आप 15 बाई 50 में। तो यहां पर आपको ये आप एक गेट हो गया एंट्री का, इस एंट्री गेट से आपको एक पोर्च मिल जाता है जो मैंने रेड कर चुका हूं 14.5x12 का। यहाँ पर आपकी पार्किंग वगैरह आ जाएगी, गाड़ियाँ जो है आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पार कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ये पूरी गाड़ी आ जाएगी जिसको आप पार कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आपका ये आपका गेट है, यानी डोर कह सकते हैं इसको। इस डोर से हम जैसे एंट्री अंदर करते हैं आपको ड्राइंग हॉल मिलता है। ड्राइंग हॉल जो है आपका सेम साइज 14.4x15 का है। यहाँ पर दो चीजें हैं, आजू बाजू बिल्कुल भी जगह नहीं है, बिल्डिंग लगी हुई है, इस कारण 4 इंच की यहाँ पर वॉल दी गई है। अगर मान लीजिए आप आजू बाजू में स्पेस छोड़ते हैं दोनों तरफ, तो उस कंडीशन में एक बार ध्यान रखें कि आपको 9 इंच की प्रॉपर वॉल देना है, ये चीज आप ध्यान रखें, अदरवाइज घर में सीलन वगैरह आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब यहां से आपकी स्टेयर जाती है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ये, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेस मिले, क्योंकि इन्हें वास्तु से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्लाइंट्स को, इस कारण इस तरीके से बनाई गई है। अगर आप वास्तु मानते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वास्तु जो मानते हैं वो इसे क्लॉकवाइज लेकर जाएं तो ज्यादा अच्छा, यानी कि वो यहाँ से चढ़ेगी आपकी, जहां पर मैंने अभी ये रेड मार्क किया हूँ, तो यहाँ से चढ़ते हुए इधर जाएगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। यहाँ से 3.5 फीट के स्पेस के बाद हम पीछे की ओर चलते हैं, आपको एक बेडरूम मिल जाता है। यहाँ पर बेडरूम का साइज 10 फीट बाय 13 फीट। यहाँ पर टॉयलेट देखिए, अब यहाँ पर कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से आप जाते हैं तो आपके यहाँ पर गेस्ट आते हैं वो भी इसे यूज कर सकते हैं, 4x9 का टॉयलेट, और इनके हिसाब से भी मास्टर बेडरूम का काम करेगा। यहाँ पर एक बाथ इमरजेंसी के लिए, कि अगर मान लीजिए नहाना है तो अंदर नहाना हो सकता है। पूरा यहाँ पर ओपन एरिया दिया गया है, ये ओपन जो है आपका, ये ओपन एरिया आपका 9x4 का हो जाता है। इस तरीके से आपका ये ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर। सीढ़ियों से आप यहाँ से ऊपर आते हैं, यहाँ से आपका हो गया डाउन, ये हो गया आपका अप, यहाँ से अप और डाउन आपके हो जाते हैं। सामने की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर किचन मिलेगा आपको। देखिए ग्राउंड फ्लोर में कोई भी किचन नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में आपको किचन मिलेगा 14x12 का। यहाँ पर किचन के साथ आपको एक 5x8x7 का एक वॉश एरिया मिल जाता है, ये आपका वॉश एरिया हो गया। यहाँ पर आपका बालकनी आ जाती है सामने की तरफ, 9x4 की आपकी ये बालकनी हो गई। यहाँ से आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो पिछले हिस्से में सेम एक बेडरूम 10x13 का, या आपका 10x13 का एक ड्रेस, ड्रेस के साथ आपका टॉयलेट,
ड्रेस प्लस टॉयलेट हो जाता है। यहाँ पर आपका ये जो छूटा हुआ स्पेस है यहाँ पे आपका वार्डरोब आ जाएगा, और ये ओपन स्पेस में आपका पूरा वेंटिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका 15x50 में फर्स्ट फ्लोर हो गया। फर्स्ट फ्लोर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं अब इसे दिखाऊं आपको, ये देखिए ये आपका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसमें देखेंगे तो सेकंड फ्लोर की ओर चलते हैं। ये देखिए सेकंड फ्लोर में आप जाते हैं तो आप स्टेयर से सामने की तरफ आते हैं, तो सामने आपको एक बेडरूम मिलेगा 14x12 का। आपको यहाँ पर टॉयलेट, बालकनी, टॉयलेट और बालकनी के साइज बताऊं मैं आपको, अगर तो 5x7 का है, और ये आपका जो बालकनी है वो 9x4 का है। अब एलिवेशन देखेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी कि इसका एलिवेशन हमने किस तरीके से लिए हैं। पिछले हिस्से में जाते हैं तो पूरा यहाँ पर टेरेस छोड़ दिया गया है। ये आपका जो स्पेस था यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 फिट था, ये आपको ज्ञात है। इस तरीके से आपके तीनों फ्लोर हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे प्लानिंग में तीनों फ्लोर आपने देख लिए। अब इसका देखिए आप एलिवेशन, ये आपको यहाँ पर समझने में, जो इंजीनियर से विशेष करके वो देखें उनको समझने में यहाँ पर आसानी होगी। ये आपका एलिवेशन जो है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, सामने आपकी ये बाउंड्री आ जाती है। ये बाउंड्री, इस बाउंड्री में यहाँ पर ग्रूव्स आते हैं सबसे पहले, फिर संक बॉक्स, फिर प्लास्टर पट्टी। इसके बाद आपका यहाँ से चालू होता है तो ये फेस हो जाता है। ये यहाँ पर स्क्वेयर पाइप आएंगे, ये स्लैब लेवल हो जाता है। स्लैब लेवल प्लस स्क्वेयर पाइप आप इस तरीके से देखिए, तो आई होप आपको समझने में पूरा, मैं क्लियर विंडो कर देता हूँ जिससे आपको पूरी चीजें साफ साफ दिखाई दे। चलिए यहाँ बाउंड्री वॉल में पहले ग्रूप्स, संग बॉक्स, प्लास्टर के आपके पट्टे जो कि मैंने रेड कर दिया हूँ। यहाँ पर स्लैब आ जाती है आपकी, स्क्वेयर पाइप और फिर स्लैब आपकी, ये आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। यहाँ से आप देखेंगे ये विंडो कबॉक्स, ये आपका फ्रंट। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिखाई दे रहे हैं। प्लस 9 इंच ये रहेगा, प्लस 4 इंच ये रहेगा आपका। यहाँ पर लेवल 0 मानकर चलते हैं हम इस लेवल को, ये प्लस 8 इंच आपका प्लस है। ये एक अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है। यहाँ पर एक बॉक्स +2 और ये स्लैब। अब इसमें आपको बड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा अभी कि यहाँ पर किए क्या है, क्या प्लस हुआ है, क्या माइनस हुआ है, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई होगी अभी। चलिए इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें पूरी चीजें साफ साफ तौर पर क्लियर हो जाएगी। मैं इसे नजदीक कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। चलिए ये मैंने दोनों को पास में कर दिया हूं। अब यहां से आपको ये क्लियर समझ आता होगा। मैं इसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं करूंगा अभी कुछ भी। मैं चलिए इसे यहाँ पर कर देता हूँ, फिलहाल आपको ये समझना है। तब ये देखिए यहाँ पर आप क्या हुआ था अभी, ये जो आपका है बाउंड्री, इस बाउंड्री में यहाँ पर आपको ऊपर पट्टे जो दिखाई दिया था वो ये है। यहाँ पर ये संघ का जो बॉक्स जैसा ये है, और ये जो पट्टे डले हुए हैं वो ये ग्रुप्स के ये। यहाँ पर तो गेट आ गया। ये जो आपको दिखाई दिया था यहाँ पर ये वाला, इसे मैं ये कर देता हूँ कलर, ये वाला आपका डोर है, ये सामने विंडो है। अब इसमें आपको देखिए 3D में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन 2D में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि यहाँ पर समझने में ये समस्या थी कि ये जो आपका एरिया है यहाँ पर, ये जो बाहर पूरा गया हुआ है वो ये वाला आपका एरिया है। इस एरिया पर अगर आप देखते हैं तो ये लाइन डली हुई है, ये लाइन आ जाती है आपकी, बाकी अंदर एक कलर आ जाता है। और ये जो है प्लस 9 इंच लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला पूरा एरिया आपका प्लस 9 इंच है। ये पूरा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको, चलिए इस तरीके से समझिए आप, ये कलर वाला हिस्सा जो है आपका, ये अभी कुछ क्लियर हुआ होगा। ये पूरा 9 इंच बाहर की तरफ है।
अब यहां पर आप देखेंगे अंदर विंडो वगैरह जो दिखाई दे रही है वो ये जो बॉक्स है ब्लू जैसा, ये वाला बॉक्स है वो आपका। यहां पर ये जो विंडो जैसा बॉक्स दिखाई दे रहा है वो ये बॉक्स है, और बाकी ये डिजाइन आपको यहां से बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ इस तरीके से जब भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है वो ध्यान में रखना होता है। वो प्लानिंग में क्या होता है, जैसे आपने प्लान किए फिर एलिवेशन किए, अब उसमें आपको स्ट्रक्चर भी देखना है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से जाएगा कैसे होगा। तो सारी चीजें देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि वर्किंग कैसे होती है। अगर 1550 का आपको खुद को भी बनाना है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर इसी तरीके के आपको वीडियो और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स भी कर दीजिएगा, जिससे हम इस टाइप के वीडियो आपके लिए और लेकर आए। थैंक यू।